वेलकम डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स ए एंड सी पार्ट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5. सो इन टुडेज एक्सरसाइज वी विल डू टू वर्ड प्रॉब्लम्स, ए पार्ट एंड सी पार्ट. आपको ए पार्ट का सॉल्यूशन एक पेज पे करना है और सी पार्ट का नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करना है. सो लेट अस रीड द वर्ड प्रॉब्लम. ए पार्ट, 203 एप्पल्स आर ग्रोन इन फार्म ए एंड 189 एप्पल्स आर ग्रोन इन फार्म बी, फुल स्टॉप. तो एक फार्म है ए, उसमें 203 एप्पल्स, बी उसमें 189 एप्पल्स ग्रो हो रहे हैं. नाउ कम्स द क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ग्रोन इन बोथ द फार्म्स. फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स हो गया हमारा क्वेश्चन में आइटम नेम, तो उसे हमें सर्कल करना है. अब हमें इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करना होगा और एप्पल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है नंबर्स वाली उसे अंडरलाइन करना है. चलिए फिर से रीड करेंगे. 203 एप्पल्स आर ग्रोन इन फार्म ए, तो हमें एप्पल्स मिल गया और वो कितने हैं? 203, जो कि फार्म ए में उगाए जा रहे हैं. 189 आर ग्रोन इन फार्म बी, सो 189 इज अगेन एप्पल्स, इसको भी अंडरलाइन करेंगे. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ग्रोन इन बोथ द फार्म्स. अब आपको क्वेश्चन पूछना है अपने आप को कि जो हमने सर्कल किया है एप्पल्स, इट विल बी मोर और लेस. एक ए फार्म में भी उग रहे हैं, बी फार्म में भी उग रहे हैं, तो टोटल क्या हो गया, मोर या लेस? तो ये जो हमने सर्कल किया है क्वेश्चन आइटम नेम में, यहाँ अपने आप को पूछेंगे मोर या लेस. जब दो जगह एप्पल्स उग रहे हैं तो एप्पल्स, टोटल एप्पल्स विल बी मोर, तो हमारा आंसर है मोर नॉट लेस. अगर मोर हमारा आंसर है तो एडिशन इज अवर सॉल्यूशन. तो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, सॉल्यूशन डिसाइड कर लिया कि प्लस करना है या माइनस. अगर हमारा कलेक्शन लेस होता है तो हम माइनस करते हैं. दैट वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर. अभी हमने आज की ए वर्ड प्रॉब्लम रीड कर दी है और समझ ली है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे. किसके लिए स्टेटमेंट्स सीखने होंगे? जो हमने अंडरलाइन किया है उसके लिए और जो हमने सर्कल किया है उसके लिए. सो लेट अस सी इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट बनाएंगे. एप्पल्स हमारा आइटम नेम है और एप्पल्स हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंट करने वाली चीज़ का स्टेटमेंट हम नंबर ऑफ दैट आइटम से स्टार्ट करते हैं. एप्पल्स है, नंबर ऑफ एप्पल्स ग्रोन इन फार्म ए इज 203, ये हमने इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए स्टेटमेंट लिख दिया. दूसरा इंफॉर्मेशन है 189 एप्पल्स के लिए, 189 एप्पल्स कहाँ पे है? फार्म बी में. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ एप्पल्स ग्रोन इन फार्म बी इज 189. नेक्स्ट, जो हमने सर्कल किया है एप्पल्स, वो क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ग्रोन. सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ग्रोन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये तो अभी हम फाइंड करेंगे. और कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका? ऐड से, एडिशन करके करेंगे. हमें कैसे पता चला ऐड करना है? यहाँ क्वेश्चन में तो कहीं भी ऐड करना नहीं लिखा है. बिकॉज द कलेक्शन इज गेटिंग मोर, we know that it is a question of addition because the collection is of apples is becoming more. More yani addition. Let us do it. Three digit numbers, ones, tens, hundreds. Three places ka place value chart. Add the numbers. We got 392 as our answer. But word problem ka answer statement mein aayega. So answer statement. ये जो हमें पूछा है total number of apple grown, ये जो हमने question mark किया है, सेम हम लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम 392 लिखेंगे और हमारा आंसर स्टेटमेंट हो जाएगा रेडी. सो इज अ वर्ड दैट यू हैव टू फिक्स बाय योरसेल्फ. सो के बाद कॉमा लगाया है. सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ग्रोन इज 392. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ए पार्ट. लेट अस सी सी पार्ट. आज दो ही पार्ट्स कर देंगे आपको, ए एंड सी पार्ट इन योर नोटबुक. नेक्स्ट इज द सी पार्ट. लेट बी read the word problem. Sneha can spell 267 words more than her sister, full stop. Full stop आ गया, ये एक information है. नेहा अपनी sister से भी कुछ ज़्यादा words बोल सकती है. Next sentence is here. Her sister can spell 189 words, full stop. फिर से एक information है, स्नेहा की sister कितने words की spelling जानती है. Okay, full stop आ गया. अब देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन स्नेहा स्पेल, ये एक क्वेश्चन है. यहाँ क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन फ्रेज के बाद जो वर्ड होता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हाउ मैनी एक क्वेश्चन फ्रेज है, ठीक है.
वॉट इज हाउ मैनी फाइंड आउट, ये सब क्वेश्चन फ्रेज होते हैं. उसके बाद लिखा है वर्ड्स, दिस इज अवर क्वेश्चन आइटम नेम. तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम रीड करके क्वेश्चन आइटम नेम फाइंड करना है. जो हमने देख लिया इस क्वेश्चन में वर्ड्स के बारे में बात हो रही है जो स्नेहा बोल सकती है और जो उसकी सिस्टर बोल सकती है. फाइन, अब जो वर्ड्स हमने जो सर्कल किया है, वर्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई नंबर्स, उन्हें हम अंडरलाइन करेंगे. तो दूसरी बार भी हमें वर्ड प्रॉब्लम रीड करनी होगी. चलिए, स्नेहा कैन स्पेल 267 वर्ड्स मोर देन हर सिस्टर. हम वर्ड्स के बारे में जानना चाह रहे हैं. स्नेहा के कितने हैं? 267 वर्ड्स. मोर देन हर सिस्टर, मोर देन हर सिस्टर, सिस्टर से भी ज़्यादा. तो अगर सिस्टर 5 वर्ड्स रीड कर सकती है तो नेहा उससे भी 5 वर्ड ज़्यादा रीड करेगी, 267 वर्ड्स ज़्यादा रीड करेगी. हर सिस्टर कैन स्पेल 189 वर्ड्स, सिस्टर इज स्पेलिंग 189 वर्ड्स. हमें वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, हमने अंडरलाइन कर ली. नाउ हाउ मेनी वर्ड्स कैन स्नेहा स्पेल. वर्ड्स को हमने सर्कल किया है. अब देखिए, स्नेहा बोल रही है अपने सिस्टर से भी ज़्यादा वर्ड्स. सो आस्क द क्वेश्चन ओवर हियर, वर्ड्स स्नेहा कैन स्पेल विल बी मोर या फिर लेस. अब स्नेहा अपनी सिस्टर से भी ज़्यादा वर्ड्स बोल रही है तो स्नेहा के वर्ड्स मोर हो जाएंगे. सो इट इज मोर, एंड वेन एवर योर कलेक्शन इज मोर इट इज प्लस. लेस थोड़ी ना होंगे, वो तो उससे ज़्यादा वर्ड्स बोल रही है. ठीक है, सो वी नो दैट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एडिशन. क्या ऐड करना है? इन दोनों को, नंबर्स को ऐड करना है. फाइन, ये तो हमने समझ लिया क्वेश्चन और डिसाइड कर लिया कि ये प्लस होगा. लेकिन अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में या क्लास वर्क में, तो आपको स्टेटमेंट्स लिखने होंगे. तो स्टेटमेंट्स लिखने का क्या तरीका है? लेट अस सी दैट. ये जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं. किसके लिए स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं? जो इंफॉर्मेशन दी है, जो हमने अंडरलाइन किया है और जो सर्कल किया है. यह आपका एक क्वेश्चन ऐसा है कि पहले हम इसकी लिए, किसके लिए लिखना है? 189 वर्ड्स के लिए हमें क्वेश्चन लिखना है. 189 वर्ड्स के लिए स्टेटमेंट लिखना है. कौन बोल रहा है ये वर्ड्स? सिस्टर बोल रही है. वर्ड्स आर काउंटेबल थिंग्स, तो हम नंबर ऑफ वर्ड्स से स्टार्ट करेंगे. नंबर ऑफ वर्ड सिस्टर कैन स्पेल इज इक्वल टू 189. देखो सिस्टर 189 स्पेल कर रही है वर्ड्स. हाउ मैनी 267 वर्ड्स, ये जो है ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मोर देन का मतलब होता है प्लस. और सिस्टर के जितने भी वर्ड्स हैं 189, ये इससे ज़्यादा वर्ड्स बोल रही है. सो नंबर ऑफ वर्ड्स नेहा कैन स्पेल, इट इज नॉट ओनली 267 वर्ड्स, लेकिन जितने सिस्टर बोल रही है उससे 267 ज़्यादा. So 267 words more than sister. तो 267 तो स्नेहा ज्यादा बोल सकती है, सिस्टर बोल सकती है 189. मोर देन का मतलब प्लस. सो नंबर ऑफ वर्ड्स स्नेहा कैन स्पेल इज 267 प्लस 189. तो यही हमें फाइंड करना है, हाउ मेनी वर्ड्स स्नेहा कैन स्पेल. तो ये आएगा आपका एडिशन करके. सो यू आर गोइंग टू एड ओवर हियर. हमने ऐड कर दिया दोनों नंबर्स को, 456 इज अवर आंसर. यही आंसर को वर्ड प्रॉब्लम्स में हम स्टेटमेंट्स के द्वारा लिखेंगे. सो आंसर इज, सो स्नेहा कैन स्पेल 456 वर्ड्स.